बल्कि बोलबो मौलाना साहेब हमार कलेजवा खाए गल कलिए फोक्सिया पहुँचल घूमते हैं ना जब प्रोग्राम से जाते हैं जल समूह गेम खेलते हैं गली में बैठा है तीन गो तीन बजे रात डेढ़ बजे दो बजे रात गांव का फतहा का पूरा कुकुर सुत गया लड़कवन सब नहीं सुतता है सब कुकुर सुतल है ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं लड़कवन सब बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरो कहता है ये कुकुर कहां हमरे डरवाम काहे बैठा है रे तू घरवाम घुसो ना हमको सुतने दो तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा काश तेरा बेटा पढ़ता रात को सोता जल्दी सुबह उठता जल्दी सर पे टोपी लेता वजू का चेहरा कर सजाता सीने में कुरान बसाता मकतब मस्जिद मदरसा चला जाता इमाम के पास बैठता कुरान खोलता तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलता वो बेटा भी बख्शा जाता माँ बाप लेकिन तूने बेटे को पढ़ाना बंद कर दिया छिछे को बेटा है कोई काम के नहीं एगो गुजरात में एगो मद्रास में एगो सूरत में एगो पीक सुतल है खेत बहियार में एगो ससुराल बुढ़वा बुढ़िया बैठल है दूर है लड़कोन सब कियो ना देखो बहु सब हो कि ना हो पुतो सब चार गो हो फतहा इस तरह नहीं है फतहा बहु बेटी सब दूध के धवल है ई सब बात जमुआ ऊपर याद रखो नौजवानों अरे माँ बाप नाराज हो गए जिंदगी तबाह हो जाएगी माँ बाप को खुश रखना राजी करना जब तक बचे हयात में रहे खिदमत करो और दुनिया छोड़ जाए तो इसाले सबाब करो कुरान खानी मिलाद खानी फातिया खानी दुरूद खानी करो और हो सके उनके कब्रों पे जाना कुरान को पढ़ना हाथ उठा के दुआ करना तू भी बख्शे जाओगे माँ बाप भी बख्शा जाएगा मत पूछो जहाँ शादी हो गई रे बाप कहाँ माँ कहाँ बाप कहाँ भाई बहन 20 साल तक माँ को माँ कहता है 20 साल तक माँ कहेगा 45 साल की माँ को मैंने कपड़ा धोते हुए देखा जवान बेटे का कपड़ा माँ धोती है मैंने कहा क्या हुआ बहू नहीं आई माँ साहब इसलिए मैं कपड़ा धो रही हूँ क्या मोहब्बत है माँ की क्या मोहब्बत करती है माँ लेकिन जो ही बहू घर में घुस गई अरे बाप क्या जो कह के शोहर के कान में फूंक देती है अरे बाप जिस माँ के कदम में जन्नत है बीवी की एक फूंक में जन्नत से बेटा दूर वो बहू है ना जादूगरनी है पक्का जादूगरनी है हम लोग फूंकते फूंकते थक गए कुछ असर नहीं लेकिन बीवी एक फूंक सरिया के मार दी जिस माँ के कदम में जन्नत बेटा एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर बेटा है गुजरात में बीवी है फतहा में माँ बाप से बातचीत बन शोहर फोन किया खेली बोले निया चल गेलो मैया कहाँ हो बोल तोर मैया हमार करिजिया खाए गेलो ठीक ठाक हो ना मैया बोलो कर था थनवा ना देखबो हो रहा है अब बेटा वहीं से फोन किया अब की जाने दो अलग रहेंगे याद रख माँ बाप को खुश करके राजी करके जलसे में आना मस्जिद जाना अजमेर की धरती चला जाना फतहा में माँ बाप राजी होंगे अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा नौजवानों अपने औलादों को पढ़ाओ अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ आज एक बेटा अपने माँ का मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है कब्रिस्तान में मुसलमानों को जनाजा नियत बताना पड़ता है ये कौम कहाँ तक गिर गई है कब्रिस्तान गढ़ने जगह है पढ़ने जगह नहीं है वहाँ पढ़ाना पड़ता है नियत बताइए मौलाना ईदगाह गया ईदगाह में नियत ईदगाह में नियत बताओ एक साल की नमाज है
वहां भी नियत याद नहीं, आखिरी दुआए जनाजा कब्रिस्तान में याद नहीं, और नारा लगाएगा गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ो मोबाइल का दामन पकड़ा है, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। घर घर में तबाह है ये कौम हजरत, न उलमा कदर, न माँ बाप की इज्जत, न समाज का डर, कुछ नहीं है। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूलुल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टाका कोड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते माँ बाप है कहाँ या रसूलुल्लाह, मेरे आका फरमाते वापस पलट के घर चला जा, माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। आजकल के नौजवान माँ बाप का चेहरा देखेगा नहीं देखता, जब मुसलमानों जब जमुआ से या धुरेता मोड़ से घर घुसो ना तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, कम खाएंगे माँ बाप ज्यादा दुआ देंगे, लेकिन माँ बाप के लिए कहाँ लेके आएगा, बीवी के लिए कुछ ना कुछ छुपा के लाता है, नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप चुपे चुप। बीवी कौन वहां बैठ के खा गई, बहु सास को पतन चल, खिलाओ ना, कौन मना करता है बीवी से मोहब्बत करना, कोई मौला मना किया है? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, कहां करते भी कहां, कल दू रात में जाना बीवी मगरिब के टाइम में घर घुसना, तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है ना तुम खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कभी करो प्यार, रोटी बना रही क्या कर रही हो, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू, कभी करो प्रेम, करता कहाँ, करो ना, कौन मना किया बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत करो कि बीवी ना करे सलाम तो तू कर दो। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब बाहर से घर तशरीफ लाते अजवाज़े मुतहरा सलाम करती, और कभी कभी प्यारे आका भी सलाम क्या करते, यहाँ तक के उनकी बेटी फातिमा जहरा ससुराल में रहती, मौला अली बाहर तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती, जब तक अली घर ना आते फातिमा जहरा खाना नहीं खाती। अरे माशाल्लाह, अभी है माशाल्लाह, यही है गुलाम रसूल रहबर, बैठ यहाँ, नारा लगा शेर का, बहुत अच्छा है नकीब साहब, थोड़ी देर बोल ना, थक गए क्या आप लोग, रात ज्यादा हो गई, कोई फिक्र नहीं ना, चिंता, सुनना चाहते हैं, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ पे पहुंचल उनकी, और तो कुछ मचल ना, स्टेडियम खाली हाथ में बोले उठान रे उठान उठान रे उठान, मोहब्बत है क्या, बहुत अच्छा है हजरत सुन रहा है। तो ए मुसलमानों नौजवानों, मेरी माँ बहने भी बैठी है, बैठी है ना, एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी है, माँ बहने भी जरूरी है क्या, इन लोगों को मजार जाने दो, अरे बाप मत पूछिए, मजार जाने बहुत आ गया, 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को एक गांव इधर झगरूडी है, टेम्पू लेके चेंगेर पुतरू गुलगुलिया गोहरा गोहरी डिक्की चूल्हा गोठा गोबर सब ठूस ठासिंग चल, पूरा टाण में एकदम टेम्पू रोक दिया, ईंटा चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरेगी, जब तक तो बुतरू खोज के लाया तब तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया, टाणिया फटाफट झगरूडी टाणिया फटाफट, हम पूछे क्या हुआ, मन करो नहीं पूछे तो मुर्गो को ग्रो लो, हम बोले यहाँ काहे आते हैं चाची, घर में हम रहते, बोल की बोलबो मौलाना साहेब, हमार कलेजवा खाए गलो, कलिया फोक्सिया वो चलो